हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला वेज खिचड़ी या वेज दाल खिचड़ी की रेसिपी। ये खिचड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होने के साथ ही काफ़ी हेल्दी भी होती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और आप इस गर्मा गर्म खिचड़ी को घी, दही, रायते, अचार या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बहुत कम समय में बनने वाली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी इस मसाला वेज खिचड़ी को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है ये एक छोटी कटोरी छोटे चावल और एक छोटी कटोरी मिक्स दाल। तो मिक्स दाल में मैंने यहाँ पर तुअर दाल, छिलके वाली हरी मूंग दाल और छिलके वाली काली उड़द दाल तीनों को मिक्स करके यहाँ पर लिया है। तो एक बड़े मिक्सिंग बोल में मैंने चावल डाल दिए हैं, इसमें डाल देंगे ये मिक्स दाल। तो मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पर ये आधा कप चावल और आधा कप मिक्स दाल ली है। तो यहाँ पर अब हमें इन सभी चीजों को अच्छे से वॉश करना है। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, हाथों से इस तरीके से इसे मसल मसल कर 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल दूंगी पानी और इसे 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। और जब तक हमारे यहाँ पर ये दाल और चावल भीगते हैं तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज स्लाइस में कटा हुआ लिया है, 2 टमाटर, 5-6 लहसुन, 1 टुकड़े अदरक और 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। वेजिटेबल में मैंने यहाँ पर कटी हुई फूल गोभी, गाजर, फ्रेंच बीन्स, आलू और थोड़े से मटर लिए हैं। तो आप अपनी पसंद के यहाँ पर और भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हो। तो गैस पर मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल। ऑयल के साथ ही यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच घी। आप चाहो तो इस खिचड़ी को केवल घी से भी बना सकते हो या फिर केवल ऑयल का भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पर मैं इन दोनों को मिक्स करके इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और साथ ही इसमें ऐड करेंगे ये 2 पिंच हींग। हींग डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है तो आप इसे ज़रूर डालें। इसमें मैं डाल दूंगी ये बारीक कटी हुई लहसुन और ये बारीक कटी हुई अदरक, मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। तो यहाँ पर इसे मैंने 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है कंटिन्यूसली चलाते हुए। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल दूंगी ये स्लाइस में कटी हुई प्याज। तो अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हो तो आप इन दोनों को स्किप करके भी इस खिचड़ी को बना सकते हो। यहाँ पर इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट करेंगे ताकि जो इनका कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो आपको यहाँ पर इसे जितना तीखा रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ करें। मसालों में मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड करूंगी ये 3/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च का भी यूज किया है तो इसे मैं कम डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें। तो मसालों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए लो फ्लेम पर इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी ये लाल रंग के बारीक कटे हुए टमाटर, इसे भी मिक्स कर लेंगे और टमाटर को यहाँ पर सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ढक्कन लगाकर भी इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर सकते हो। तो टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी एक एक करके सभी वेजिटेबल। तो फ्रेंड्स, खिचड़ी खाना हर किसी को पसंद नहीं होता, स्पेशली बच्चों को, लेकिन जब आप इस तरीके से इस खिचड़ी को बनाकर उन्हें खिलाओगे तो वो इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। और ये काफ़ी टेस्टी होने के साथ ही काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि 2-3 दालों और काफ़ी सारी वेजिटेबल को मिक्स करके हम इस खिचड़ी को बना रहे हैं। तो वेजिटेबल मैंने यहाँ पर ऐड कर ली हैं, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए भूनेंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस खिचड़ी में इनका। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये भिगोए हुए चावल और दाल,
तो इनका पानी मैंने सेपरेट कर लिया था। तो इन्हें भी मैं यहाँ पर हल्के हाथों से वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कंटिन्यूसली चलाते हुए एक मिनट तक इसे और कुक करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी पानी। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चावल और आधा कप दाल ली है, यानी दोनों का टोटल एक कप लिया है। तो अब मैं यहाँ पर पहले इसमें डाल रही हूँ 3 कप पानी और बाद में मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी ये 1/4 कप और पानी। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल का 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगा लूँगी और ढक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक कुक करूँगी। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने दाल और चावल को भिगोया था तो 2 सीटी यहाँ पर सफिशियंट हैं। तो यहाँ पर 2 सीटी आ चुकी है। गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूँगी और इसे ठंडा होने दूंगी। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट का समय हो चुका है और प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो रिलीज हो चुका है। तो ढक्कन खोलकर खिचड़ी को चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ पर इसमें से आ रही है। इसको एक बार मिक्स करके देखेंगे तो बहुत कम समय में हमारी यहाँ पर ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी मसाला वेज दाल खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो लास्ट में इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया खुशबू के लिए। इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से इस खिचड़ी को जरूर बनाकर देखिए। बच्चों से लेके बड़ों को, सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।